इन खेलों के इतिहास में अब तक का बेस्ट प्रदर्शन भी है। इससे पहले सुबह स्टार खिलाड़ी और दो बार के स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झाझरिया ने सिल्वर जीता था। पुरुषों के इसी भाला फेंक के F46 स्पर्धा में सुंदर सिंह गुर्जर को कांस्य पदक मिला, वह झाझरिया के बाद तीसरे स्थान पर रहे। चक्का फेंक में योगेश कथुनिया ने दूसरा स्थान हासिल किया था। टोक्यो पैरालंपिक्स खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। जेवलिन थ्रो की F64 कैटेगरी में सुमित अंतिल ने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता। यह भारत का टोक्यो पैरालंपिक खेलों में दूसरा गोल्ड समेत कुल सातवां मेडल है। उनसे पहले सोमवार को ही अवनी लेखरा ने शूटिंग में देश को टोक्यो में पहला गोल्ड मेडल दिलाया था। सुमित ने यहां एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन बार अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। इस दूसरे थ्रो में उन्होंने 68.08 मीटर के थ्रो के साथ नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। तीसरे और चौथे अटेम्प्ट के थ्रो वर्ल्ड रिकॉर्ड से कम रहे। पांचवें अटेम्प्ट में 68.55 मीटर के थ्रो के साथ उन्होंने दिन में तीसरी बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। गिर गए थे और ट्रैक्टर उनके पैर पर चढ़ गया था, इस कारण उनका पैर पूरी तरह टूट गया और डॉक्टर भी उसे बचा नहीं पाए। सुमित अंतिल मजबूर बनकर नहीं रहना चाहते थे। द्रोणाचार्य अवार्डी कोच नवल सिंह के कहने पर जेवलिन थ्रो शुरू किया। सुमित ने साल 2018 में एशियन चैंपियनशिप में हिस्सा लिया लेकिन पांचवी रैंक ही प्राप्त कर सका। हालांकि इसके बाद अगले साल 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता और पैरालंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया।